हेलो दोस्तों, आज हम इसका जो साइड विंग है, इस स्पेसक्राफ्ट का साइड विंग्स जो यहाँ पर और ऊपर एक है, इसे हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसे टॉप व्यू में लेके जा रहा हूँ। टॉप व्यू में एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। F3 कर रहा हूँ मैं। अब इस बॉक्स को जो है सेंटर्ड करके यहाँ पर मैं एडिट पॉली इंपोर्ट कर रहा हूँ। एडिट पॉली के बाद इसका जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट को मैं यहाँ पर एक एज दे के पॉलीगॉन डिलीट। अब इस बॉक्स को क्या करूँगा, थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे और यहाँ से थोड़ा बैक साइड। अब इसे अंदर के साइड रख के यहाँ पर थोड़ा सा और स्ट्रेट आगे, और इसे स्केल अप कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, वाई एक्सिस से। और यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से कर्व पोर्शन देके इसमें जो है, हम पहले इसका हाइट चेक कर लेंगे। हाइट जो है, हाइट कितना है। इसका जो हाइट है, इसे भी हमें कम करना है। F4 करके कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को सेंटर में इस तरीके से सेट कर सकते हैं, और सेंटर से आई थिंक थोड़ा नीचे ही रहेगा। तो इतना सेट कर सकते हैं, बाद में मूव भी कर सकते हैं अगर चेंजेस करना हो तो। इसका हाइट जो है, हाइट लेवल हम यहाँ से थोड़ा कम करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा लॉक टाइप का है जो कि इसमें से एक्सट्रूड होके बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक एज क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से कुछ, और इसमें ऐसा हो तो यहाँ पर इस तरीके से एज 2 देना चाहे या 3 देना चाहे। अगर एक्चुअल में एक ही दे के इसे सेट कर सकते हैं, बाद में अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसे जो है पॉलीगॉन्स को डिलीट करता हूँ, और जो बॉर्डर है, बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद एज पर आके अल्टर के साथ सेंटर के एजेस निकाल के यहाँ पर जो है मैं ब्रिज का ऑप्शन यूज़ करने जा रहा हूँ। ब्रिज हो गया। अब जो है सपोर्टिव एजेस जो होते हैं, उसे मैं इनपुट कर दे रहा हूँ चारों तरफ, 80 का पिंच वैल्यू रख के। और सारे एजेस सिलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर भी 80, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब जो है इसका कलर भी मैं कुछ ऑब्जेक्ट कलर दे सकता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है और हमने कुछ कम बना दिया है। एक्चुअल में इसे हमने वैसे भी अंदर ही रखा है, तो थोड़ा सा बाहर ले सकते हैं। और जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ पर रिंग देके, दो रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंटर्ड करके थोड़ा सा इस साइड,
कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो पॉली है, यहाँ पर हमें एजेस जो है कम है एक्चुअल में। एक एज हमें नीचे भी इनपुट करना होगा। ओके, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। और यहाँ का जो पॉलीगॉन है इसे आई थिंक थोड़ा और नीचे रखना है। अब ये जो पॉली है इसे एक्सट्रूड करेंगे। और इसे कुछ स्केलिंग शेप करके थोड़ा सा यहाँ पर मर्जिंग करेंगे। और इसे वर्टिक्स से भी सेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ओके, ओके। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि थोड़ा सा जो एजेस है इसके पॉली सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर कुछ इसे नीचे की तरफ और लेना होगा। ओके, तो जाके ये थोड़ा सा परफेक्ट सेट होगा। ओके, कुछ इस तरीके से। और इसके वर्टेक्सेस जो है ऐसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा सा अंदर। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर लेकर इसके जो एजेस हैं रिंग कर देंगे 80 का वैल्यू। और यहाँ से रिंग। ओके, और फिर सपोर्टिव एजेस जो है इसे मैं अल्टर क्यू कर दे रहा हूँ पहले। ओके, और जो एजेस यहाँ पर अभी क्रिएट हुए हैं इसे अभी निकाल दे रहा हूँ। उसके बाद हमें कुछ एजेस यहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगे। ओके, कुछ ऐसे। और एक एज नीचे। ओके, इसे थोड़ा और नीचे ले सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी एजेस होने की वजह से हम एक सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब जो एजेस जो नहीं चाहिए उसे हम निकाल देंगे। इतने एजेस को, बट सबसे पहले हमें यहाँ पर दो एजेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सबसे पहले हमें दे देना है। उसके बाद जो एक्शन लेने हैं एज रिमूवल का वो बाद में लेंगे। ओके, तो इसे मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रिमूव। ओके, कुछ इस तरीके से, ताकि क्या है जब मेश मोड में आए तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखे और ये भी सेट हो जाए। ओके, अब इसके ऊपर और थोड़ा सा वर्किंग करना है। सबसे पहले इसे तो मैं सीमेंट जिसे मेश मोड देना चाहे तो मेश मोड दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने सारे ऑब्जेक्ट्स इसी तरीके से अलग बनाए हैं। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, हमारे ऑब्जेक्ट जो है इसे हम जब बाहर लिए थे तो इसे हमने एलिमेंट पकड़ के नहीं लिया था, तो एलिमेंट पकड़ के लेना है ताकि हमारा जो एक्सिस है वो ज़ीरो पर ही रहे। और यहाँ पर हम जब भी सिमेट्री यूज़ करना चाहें तो इजीली कर सकें।
ओके यहाँ पर 0.01 ओके, ये सिमेट्री आ गया। अब जो है हमें ऊपर यहाँ पर भी शेप क्रिएट करना है, प्लस यहाँ पर भी एक बॉक्स जो है क्रिएट करना है, तो मैं इसका कॉपी यहाँ पर ले सकता हूँ। ओके कॉपी लेने के बाद इसमें जो मॉडिफिकेशंस करने हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं इसे स्केल अप कर देता हूँ। ओके और इसे मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पर, और इसमें कुछ चीज़ें जो बाकी है जैसे कि ओके, अब हमें एज इट इज़ क्रिएट करने के लिए ये जो एडिटिंग पहले हुए हैं उसे हमें निकाल देना है। तो उसके लिए हम सिंपल सा वे यूज़ करने जाएंगे जो एडजस्ट है। ओके इसे तो रहने देना है, बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ओके बहुत ही सिंपल वे बता रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ इस तरीके का जो शेप है वही चाहिए। तो सबसे पहले सारे पॉलीगॉन्स सिलेक्ट कर देता हूँ, और जो पॉलीगॉन्स हमें चाहिए उसे डी सिलेक्ट करते हैं। ओके इसे चाहिए तो इजीली हम इस व्यू से भी डी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरीके से। ओके जैसा अब जो है यहाँ पर हम इसे डिलीट करेंगे, और जो एजेस हैं यहाँ के और यहाँ के ओके अब इसे अल्टर के साथ निकाल देंगे। ओके और इसे अब जो है हम शिफ्ट के साथ थोड़ा अंदर लेंगे। सॉरी दो बार क्लिक होने की वजह से परेशानी हो सकती है। ओके शिफ्ट के साथ अंदर लिया, और एक बार इसे टॉप व्यू में जाके सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके एक और स्टेप जो है आगे लेना है जो कि ज़ीरो हो जाएगा। ओके और इसे स्केल दे देना है। अब जो वर्टाइसेस है एंड के, इसे जो नए क्रिएट किया उसे वेल्ड कर देंगे। ओके सिमिलरली यहाँ पर भी वेल्ड करेंगे। ओके अब हम चेक कर सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से बना है, और अब इसे थोड़ा सा स्केल अप बड़ा करने की ज़रूरत है, और फिर इसमें थोड़े और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। एग्जांपल के जैसे कि ये जो पार्ट है ओके इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे और थोड़ा सा नीचे। ओके और इसमें इसे भी रोटेट करेंगे, और इसे रोटेट करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें जो है जैसे कि इसे निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा अंदर, और इसे भी कुछ इस तरीके से। ओके तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस अगर हमें कम करना है
तो हम एक काम कर सकते हैं, सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अल्टर के साथ इसे डी सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर ले सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसे चाहिए तो थोड़ा और श्रिंक करके, इसमें थोड़ा स्ट्रेट इसे करने के बाद इसके जो इस एज को जो है एक बार निकाल देंगे, ताकि क्या है इजीली हम इसे सेट कर सकें। अब इसे एक बार, थिकनेस ठीक है। अब इसे थोड़ा सा अंदर के साइड और एक एज निकाल देंगे, हमें एक ही ज़रूरत है। सिमेट्री वैल्यू ठीक है, और जो बॉर्डर है एक बार इससे फिर से स्केल अप करना चाहे तो स्केल अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बैक साइड का भी रेडी हो गया। अब जो फाइनल टच देना है जो बॉडी पे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे इतने पे ही रखता हूँ, इसे प्रैक्टिस करते रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय और टेक केयर।